नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम बेड़ई उत्तरी पंचायत में हैं, जो कि कटरा प्रखंड में पड़ता है, मुजफ्फरपुर जिले के। और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया है, युवा मुखिया है अभिमन्यु कुमार जी, जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया है। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। अभिमन्यु जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पे हम करेंगे। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल योजना का स्थिति बुरा है, पूर्व से बुरा है। बीच में रिपेयरिंग वगैरह करवाए थे, अब सरकार रिपेयरिंग रोक दिया है, पीएचडी को दिया है। चार नल जल अधूरा है जो पूर्व से ही है, पीएचडी में एस्टिमेट बना के दिया गया है, मांग किए हैं, और जे हिसाब को बोले हैं तो रिपेयरिंग कहीं कहीं करवा रहे हैं। पीएचडी में जब से गया है, स्थिति क्या लग रहा है आपको, पहले के मुकाबले, अभी के मुकाबले, मतलब कि समानांतर है या फिर उससे भी बदतर है? पीएचडी मेहनत करे तो 6-7 महीना में ठीक हो जाएगा। मतलब स्थिति लगता है कि आपके यहाँ ठीक होगा? हाँ, 6-7 महीना में अगर अभी से बेहतर मेहनत करे, पीएचडी पे सरकार ध्यान दे तो बेहतर हो सकता है। राशन कार्ड कितना आपके पंचायत में बना हुआ है? 2000 से 2500 के बीच में राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन राशन कार्ड एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे पंचायत के लिए। पैसा देकर राशन कार्ड लोग बनवाते हैं या ऐसे राशन कार्ड बन नहीं पाता है, जो कि बहुत बड़ा समस्या है पूरे बिहार के लिए। ये वेंडरों के द्वारा जो बनवाया जा रहा है उसमें पैसे की मांग की जाती है, तो इस पर रोकथाम के लिए आपने कुछ वरीय अधिकारी को सूचना दिया है कि हमारे यहाँ इस तरह से पब्लिक के साथ किया जा रहा है? जब भी ब्लॉक में पंचायत समिति की बैठक होती है, सांसद विधायक या कोई भी बड़े नेता पदाधिकारी गण आते हैं, तो उनको मेरे द्वारा जानकारी दी जाती है, बार बार बोला जाता है, आश्वासन दिया जाता है अब ठीक हो जाएगा, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चाहे वो NDA गठबंधन की सरकार हो तब या UPA गठबंधन, प्रखंड लेवल के जो पदाधिकारी है या फिर पंचायत लेवल के जो पदाधिकारी है, ये राशन कार्ड में जो मतलब कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संलिप्तगी अधिकारियों की होगी। ये पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल पे कुछ नहीं होता है, ये जिला लेवल पे है, और जब तक जिला लेवल के पदाधिकारी इसको नहीं सुधार करेंगे कुछ नहीं हो सकता है, ब्लॉक के पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकते। राशन कार्ड में भ्रष्टाचार है आपके? जी, ये संभवतः पूरे बिहार का समस्या है। अगर हम आपके पंचायत की बात करें तो स्थिति क्या है? स्थिति बुरा है, बहुत ऐसे नए युवा हैं जो अब 18 साल पार कर गए हैं, जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, राशन कार्ड चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो नया शादी हुआ है, उनकी पत्नी का उनके मायके में नाम है, यहाँ नाम जुड़वाना चाहते हैं, लेकिन राशन कार्ड का जो व्यवस्था है ब्लॉक से लेकर जिला तक कहीं कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग को भी पब्लिक का कुभाजन होना पड़ता है। हम लोग कितना डीलर कितना है आपके? 4 डीलर। डीलरों की शिकायत आती है कि नहीं पब्लिक के द्वारा? हाँ, कभी कभी आती है। उस पर कुछ कार्रवाई होती है? हाँ, उनको फ़ोन करके डांट पर करते हैं या बड़े पदाधिकारी को कहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा हम लोग के यहाँ, और यहाँ लक्ष्य भी 0 है। बार बार हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अभी तक पोर्टल नहीं खुला है, पोर्टल खुल जाए उसके बाद। क्या लग रहा है क्षेत्र में जब आप निकल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या कुछ मूलभूत समस्याएं निकल कर के आती है वहाँ? सबसे बड़ा समस्या अब प्रधानमंत्री आवास है, उसके बाद राशन कार्ड है, और एक समस्या हम लोग के यहाँ जल जमाव का। पहले हम लोग बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में थे, बागमती पुरजना की बांध आई, बाढ़ आना तो बंद हो गया, लेकिन बारिश में हम लोग का जो क्षेत्र है, खासकर हमारा जो पंचायत है, आसपास का 2-3 पंचायत है, वो सब लो लैंड है, बारिश होती है, वहाँ कटौझा बांध से पानी आता है, यहाँ पानी डैम्प हो जाता है, जिसके कारण हजारों एकड़ खेती नहीं हो पाता। इसके लिए आपने जो आपके क्षेत्र के सांसद हैं या फिर आपके क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे आपने मतलब अपील करवाया कि हमारे यहाँ ऐसी समस्याएँ हैं? सांसद महोदय के भी लिख के दिया था, सांसद महोदय को बताया भी, विधायक जी को भी बताया, फिर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, वहाँ भी हम 2-3 मुखिया आवेदन दे के आए थे अपने लेटर पैड से, वहाँ जानकारी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं। कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से सरकार को, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार जनता की समस्या जनता के बीच में आके देखे, ज़्यादा बेहतर होगा, और हर पंचायत का अपना अलग अलग समस्या है, तो थोड़ा सा छूट हर पंचायत प्रतिनिधि को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को मिले, जो अपने पंचायत के लिए अलग से कुछ कर सके। अब सरकार बांध दी है टाइड एंड टाइड, और उसमें आपको योजना का परसेंटेज बांध दिए कि आप 60% ये काम कर सकते हैं, 40% वो काम कर सकते हैं, उसमें हर पंचायत प्रतिनिधि को थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए,
जो मूलभूत समस्या से पंचायत को दूर कर सके। कहीं ना कहीं समस्याएं हैं अभी पंचायत में। जी समस्याएं हैं। चलिए थे बड़े ही उत्तरी पंचायत के मुखिया थे अभिमन्यु कुमार, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पर काम किया है। हालांकि कुछ विकास का काम इनके पंचायत में बाधित है क्योंकि कहीं ना कहीं जल जमाव की समस्या ज़्यादातर इनके पंचायत में आती रहती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, मुजफ्फरपुर।